रजिस्टर बेनिफिशरी है, इस पर क्लिक करना है और नीचे में आप आइएगा IMPS है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रामीण बैंक में पैसा डालें आप, तो ग्रामीण बैंक यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लें आप, बाकी जो बैंक है उसमें IMPS तुरंत पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको बैंक का लिस्ट मिल जाएगा, आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFC कोड है, तो यहाँ पे अपना दे करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि कन्फ्यूजन हो कि किसके नाम से अकाउंट है, और तो 4 रुपये आपका लगेगा, जिनके नाम से अकाउंट है वो बता देगा कि इनके नाम से अकाउंट है, और आसानी से ही आप मनी ट्रांसफ़र कर पाइएगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो ये रहा DMT मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम। और यहाँ पे आते हैं, यदि कोई एयर टिकट का काम करते हैं फ्लाइट का, तो यहाँ पे आ जाएंगे एयर टिकट पे, यहाँ पर डे का ऑफ़र चलता है, जो फ्लाइट का काम, फ्लाइट बुकिंग का काम करते हैं वो अच्छा अर्निंग कर लेंगे, जो मेट्रो सिटी में है या फिर बड़े शहर में है उनके लिए ये सर्विस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिलता है इस पर अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यदि कोई करना चाहे आपके पास में, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, चौथा है यहाँ पे प्रीपेड रिचार्ज और DTH, यहाँ रिचार्ज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल के अमाउंट डाल के सबमिट करिएगा, रिचार्ज कंप्लीट। यहाँ BBPS सर्विस है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यहाँ APS का सिस्टम है, बैलेंस इंक्वायरी है, विड्रॉवल है, APS DMT है, सेटलमेंट है, ट्रांजेक्शन है, APS सेटलमेंट ट्रांजेक्शन है। तो चलिए बैलेंस इंक्वायरी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, बैलेंस इंक्वायरी जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो अभी मशीन ऐड हो चुका है, एक मोर्फो है एक मंत्रा है। तो यहाँ पे आप जिस मशीन, जो भी मशीन है आपके पास, यहाँ आसानी से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ विड्रॉल पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है जो भी बैंक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आधार नंबर इंटर करके अपना बैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टोटल बैंक का लिस्ट है, और यहाँ पे अपना चेक डिवाइस करके स्कैन करना है, फिंगर का स्कैन करने के बाद आपका पैसा जो है विड्रॉल हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस इंक्वायरी की बात हो गई, विड्रॉल की बात हो गई, अब APS DMT आपको बता देते हैं कि जो भी पैसा आप विड्रॉल करेंगे उस पैसा को आप मनी ट्रांसफ़र में यूज कर सकते हैं। इसमें मनी ट्रांसफ़र बहुत सस्ता है, 10,000 रुपये आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मात्र आपका 16 रुपया कट रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई मेरे समझ से कंपनी नहीं है कि इतना सस्ता आपको मनी ट्रांसफ़र दे रही है। तो APS और APS DMT का मतलब यही हुआ कि APS में जो पैसा निकासी किए हैं उस पैसा को आप यूज कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र में भी। यहाँ पे आएंगे तो आपको वॉलेट देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर 3 वॉलेट है, मेन वॉलेट है, DMT वॉलेट है, APS वॉलेट है। तो इसको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, यहाँ DMT मनी ट्रांसफ़र वाला वॉलेट है, यहाँ मेन वॉलेट है जो कि अपना फ्लाइट टिकट हुआ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ, मनी ट्रांसफ़र हुआ, रिचार्ज हुआ, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से मनी ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं, और APS का वॉलेट जो है यहाँ पे रहता है। और आगे आते हैं सेटलमेंट की बात पे, सेटलमेंट पे आते हैं तो जो भी पैसा आप विड्रॉल करेंगे वो आपके खाते में कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, तो अपना बैंक अकाउंट आप ऐड कर लीजिएगा, मैं अपना ऐड कर चुका हूँ, और यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, कन्फर्म सेटलमेंट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, सेम डे नेक्स्ट डे, यदि सेम डे में करते हैं तो पैसा तुरंत आपके खाते में चला जाएगा, नेक्स्ट डे करते हैं तो अगले दिन जाएगा। तो ये रहा सेटलमेंट का। उसके बाद ट्रांजेक्शन, APS ट्रांजेक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप कितना किए कब किए, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं APS का डेट वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड सर्विस है, लेजर पे आपको रिपोर्ट चेक करना है, मेन लेजर है, यहाँ पे APS लेजर है, DMT लेजर है, DMT ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है, मतलब जितना भी रिपोर्ट आपको देखना है लेजर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस का सर्विस है, इंश्योरेंस में इसमें भी काफ़ी अच्छा है, आप इसमें इंश्योरेंस करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ मोर पर जाइएगा तो वॉलेट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ मेन वॉलेट टू DMT इसमें डालिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, आपका जो पैसा है मेन वॉलेट का वो DMT में चला जाएगा, और जो DMT का पैसा है वो मनी ट्रांसफ़र में लेने के लिए, मेन वॉलेट में लेने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ अमाउंट डाल के नेक्स्ट करिएगा, वहाँ चला जाएगा। और APS टू मेन वॉलेट,
वो भी पैसे आप मेन वॉलेट में यहाँ से ले सकते हैं। मोर पे आपको TMW इसका ATM कार्ड भी आता है। मैं ATM कार्ड के बारे में आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको हाँ एक चीज़ और बता दूं कि रिटेलर को सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा सर, ऐसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपनी ID दिख रही होगी, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर में सर्टिफिकेट दिखेगा, सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट करके अपने दुकान में लगा सकते हैं। तो आज का बेसिक नॉलेज बस इतना ही। बाकी यदि कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें फ़ोन पे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको डिटेल्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए या मेरे मेल पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो CSP सेंटर वाले हैं या APS का काम करते हैं तो उनको 4 प्लेटफार्म मिलता है काम करने के लिए, जो कि इसमें अवेलेबल है। मनी ट्रांसफ़र बहुत कम रेट पे है, 10,000 मात्र 16 रुपये चार्ज है। APS में ज़्यादा कमीशन है, आपको मैं APS का कमीशन चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ये रहा इनका APS का कमीशन चार्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट मेरे समझ से है और बहुत आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये कमीशन चार्ट रहा APS का। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि रेलवे का भी आपको काम मिल जाएगा, IRCTC का आप एजेंट बन सकते हैं, ATM POS मशीन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, ATM कार्ड भी मिलता है काम करने के लिए, और मनी ट्रांसफ़र APS तो इसमें अवेलेबल है ही। तो एक प्लेटफॉर्म को अभी यूज़ करके सारा सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सेंटर पे, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और अपनी बचत के लिए जो सोच रहे हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, और अपने जो पहले काम करते थे और इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपनी जो अर्निंग है उसको डबल कर चुके हैं। इसका जो भी आप ID लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, तो 2 से 3 दिन में आपका पैसा जो है निकल जाता है। और जिनको भी इंडिया में आप कहीं से भी हो, आपको इसकी ID चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर की, सुपर की, रिटेलर की, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको ID मिल जाएगी।